सोनीपत के रवि दहिया को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। आज हुई कुश्ती में रशिया के पहलवान से रवि दहिया को हार का सामना करना पड़ा। अब रवि दहिया अपने घर सिल्वर मेडल लेकर ही लौटेंगे। वहीं इसके बाद परिवार का कहना है कि उनका बेटा हारा नहीं बल्कि जीता है। उनके बेटे ने मेडल जीता है और उसी तरह रवि का स्वागत होगा जैसे पहले होना था। परिवार का कहना है कि सिल्वर मेडल जीतकर उनका बेटा आ रहा है और अगले ओलंपिक में वो गोल्ड जरूर जीतेगा। देंगे स्टेडियम वगैरह जी, हम खुश हैं जी, पूरा देश और पूरा गांव खुश है जी। ये जी काउंटर अटैक माने जी हार गया जी, ना तो रवि ताकत में ज्यादा था उससे जी। ये तो कुश्ती है जी, हार जीत तो खेल है, चलता रहता है। बेटा सिल्वर लेकर आएगा, किस तरह स्वागत किया खुशी है जी हमारे को बहुत, पूरे गाँव को स्वागत किया जाएगा बेटे। स्वागत पूरा गाँव कहेगा जी, सभी को गाँव का, ये पूरे देश का है जी, गाँव का है, हमारा अकेले का बेटा नहीं है जी, सबका है, पूरे गाँव गवांड और देशों वासियों सभी का है जी, सभी उनके गुरु कोच और बड़े बुजुर्ग सभी स्वागत किएंगे जी। जैसे भी वो विचार रखेंगे ऐसे ही स्वागत हो जाएगा जी। आज आपके बेटे ने इतिहास रचा देश के लिए। हाँ जी, इतिहास रच दिया जी, हमारा बेटा नहीं जी, सभी का बेटा है। राकेश जी, एक सपना जो कभी आपने देखा था उसको आज बेटे ने पूरा किया, आज निकल गया जी मंजिल में। वो काउंटर कुश्ती खेल है जी, वो हो जाता जी तपस्या, वो ज्यादा कर जाओ इससे जी रवि से, जो तपस्या करता है भगवान जी उसी को देता है। वहीं सोनीपत के गांव कुमार के रहने वाले रवि कुमार दहिया से परिवार और ग्रामीण को उम्मीद थी कि रवि गोल्ड मेडल जीतेगा। फिर भी परिवार के सदस्यों का कहना है कि रवि ने बहुत अच्छा मुकाबला किया और वो हारा नहीं बल्कि जीता है। वहीं रवि की मां और मौसी ने कहा कि उनका बेटा बहुत अच्छा खेला है और इस बार सिल्वर मेडल है तो हमें कोई गम नहीं, लेकिन अगला ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीत कर ही वापस आएगा। कोई बात नहीं, अगली बार फिर गोल्ड लेके आएगा। जहाँ तक वो पहुँचा है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत ज़्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है। गोल्ड ना सही, इस तरह सिल्वर तो लेके ही आया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब भी स्वागत उसी तरह करेंगे जैसे गोल्ड लेके आता, पर गोल्ड लेके आता तो और भी ज़्यादा खुशी होती, पर अब भी बहुत बड़ी बात है कि वो सिल्वर लेके आ रहा है। पदक तो भी लेके आया, स्वागत कैसे होगा? स्वागत बहुत अच्छी रवि की जीत को लेकर गांव के सरपंच का कहना है कि उन्हें कोई गम नहीं कि गोल्ड नहीं मिला, निराशा जरूर है लेकिन स्वागत उसी तरह होगा जैसे पहले किया जाना था। अगले ओलंपिक जल्द ही है और उन्हें आशा है कि अगले ओलंपिक में गोल्ड ही जीतेगा। उसका पूरे बढ़िया स्वागत किया जाएगा, पूरे जोर शोर से स्वागत किया जाएगा, पूरा दिल्ली से लेकर यहाँ तक तिरंगे ही तिरंगे होंगे। हम थोड़ी अड़की निराशा, पर वो भी निराशा नहीं है, हमारे बेटे ने अच्छी कुश्ती लड़ी, देखो दोनों पहलवान कभी नहीं जीतते, उसने शायद हमारे से अच्छा किया होगा, ठीक उसका लग था, लेकिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम फिर कोशिश करेंगे। अब तो लगभग 2 से 3 साल बाद फिर ओलंपिक है, हमें विश्वास है अब की बार कुछ कमी रही है उसको अगली बार पूरी कर देगा रवि दहिया। रवि के सिल्वर जीतने पर उनके घर बधाई देने पहुंचे मेयर निखिल मदान ने कहा कि रवि ने आज सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और देश के नाम एक और मेडल कर दिया है। वहीं जब रवि दहिया गांव पहुंचेगा तो उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। मैं सबसे पहले अपने भाई रवि दहिया को और उनके परिवार को, उन रवि जी के पिताजी हमारे साथ यहाँ पर हैं गांव में, हम उनके घर पे पहुँचे हैं। मैं राकेश जी जो उनके पिताजी हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बड़े गर्व की बात है, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, भाई ने आज एक देश के लिए रेसलिंग के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो आज उन्होंने रची है, हमारे देश का जो सिल्वर मेडल लाकर नाम रोशन किया है, मैं बहुत बहुत दोबारा से शुभकामनाएं देता हूं। अपनी तरफ से भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से भी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से भी, और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पूरे परिवार को और रवि भाई को दोबारा से शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके कल भी आपने देखा होगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्पेशल एक वीडियो भी डाली भाई के लिए, जब कल मैच खत्म हुआ उसके बाद भी भाई के लिए बोला कि भाई लठ गाड़ देंगे। मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ जिस तरीके दिवाली मनाई जाती है उस तरीके हम भाई का गाँव में और अपने शहर में पहुँचने पर स्वागत करेंगे, क्योंकि ये बड़ी ऐतिहासिक और एक बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि सोनीपत का बच्चा ने दोबारा से एक ओलंपिक के अंदर मेडल लाकर हमारे सोनीपत का नाम रोशन किया है। बता दें कि दहिया गुरुवार को स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता में रूसी पहलवान से हारकर उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सोनीपत से पवन सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।